Hello students, as you can see our today's topic is rational number, which is the first chapter of class 8 NCERT textbook. Okay, so students, before I start rational numbers, I want to go back in the memory lane. It means I want to tell you what the numbers are. Okay, so first of all, I want to start with counting numbers. These are the first type of numbers which came to existence. Okay, so thousands of years ago, when civilizations are in the progress, first of all we have started with these numbers. मीन्स उस टाइम में जो आदमी होते थे, लोग होते थे, उन लोगों ने सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ही सीखे. इसके अलावा उनके पास कोई और टाइप के नंबर नहीं थे और उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी. ठीक है, एडवांसमेंट हुई, आगे चले तो एक नंबर और उन लोगों ने ऐड किया इसके अंदर. भी ज़ीरो भी कोई नंबर हो सकता है. सिंबल ऑफ ज़ीरो बाद में आया, लेकिन ज़ीरो का फंडामेंटल उनको पता लग गया था कि ज़ीरो कोई चीज़ होती है. इफ़ समथिंग इज़ नॉट देयर, समथिंग इज़ मिसिंग, इट मीन्स द स्पेस इज ज़ीरो वैकेंट और नल. तो ज़ीरो का पता उनको था, लेकिन सिंबल बहुत बाद में आया ज़ीरो का. तो ये सेट ऑफ नंबर्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये बन गए होल नंबर्स. उसके बाद फिर एडवांसमेंट हुई, नए नंबर्स फिर ऐड हुए, और वो नंबर्स ऐड हुए नेगेटिव नंबर्स. मीन्स अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. और ये जो नया सेट बना आपके सामने नंबर्स का, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स. ओके, फिर हम आगे चले, एडवांसमेंट हुई और दिक्कतें आई. दिक्कत क्या आई, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है. इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस. ओके, लेट अस अज्यूम दैट नंबर बी एक्स. एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू होगी 0. तो आप सॉल्व करेंगे इसको, 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5. अब ये जो 3/5 आपके सामने आया है, ये नंबर तो जो सेट था हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का, 0 का, पॉजिटिव नंबर्स का, मतलब जो इंटीजर्स का सेट था उस टाइम का, उसमें ये नंबर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है. इसके लिए एक नया सेट बना, उन्हें बोला गया रेशनल नंबर्स. ओके, तो ऐसे रेशनल नंबर्स की बिगिनिंग हुई. नाउ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, यानी कि ये जो रेशनल नंबर है हमारे पास, ये P/Q की फॉर्म में होते हैं, एक रेशियो में होते हैं, इसलिए इनका नाम रेशनल नंबर्स पढ़ा है. तो P/Q की फॉर्म में होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और बीच में डिवीजन का साइन होता है. लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो किसी भी हाल के अंदर जो Q की वैल्यू है
वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, पी और क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस प्लस ज़ीरो, ज़ीरो कहाँ आएगा, ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। इंटीजर्स ठीक है विदाउट ज़ीरो एज डिनोमिनेटर। नाउ आई वांट टू राइट सम नंबर्स विच आर इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, यू कैन डिसाइड। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सम नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ज़ीरो। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी इज इंटीजर, सिंस माइनस फाइव इज एन इंटीजर। आप देख सकते हैं कि माइनस फाइव एक इंटीजर होता है, टू भी इंटीजर है और टू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। अब देखिए 63, देखने में लग रहा है कि 63 तो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का कि वन एक नंबर ऐसा होता है कि वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है और किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर कोई नंबर अकेला दिख रहा है आपको, 63 दिख रहा है आपको, इट मीन्स 63 के साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन मिलेगा आपको, आप उसको लिख सकते हैं, और 63 के डिवीज़न में भी आपको वन मिलेगा। तो इसको मैंने कर दिया डिवाइड वन से, बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सो नाउ यू कैन सी 63 अपॉन वन बन गया आपके सामने, इंटीजर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी रेशनल नंबर बन गया। माइनस 22 सेम थिंग, नीचे वन लगा देंगे, एज यू कैन सी माइनस 22 इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, तो ये पूरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया और क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 3.5 अब डेसिमल आ गया इसमें, इसे आप क्या बोलेंगे देखते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव कर दूं तो नीचे आ जाएगा 10। अगेन यू कैन सी पी अपॉन क्यू, पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो को कैसे लिखेंगे हम, ज़ीरो अपॉन वन, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। पी ज़ीरो हो सकता है बट क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, दैट्स वाई ज़ीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ आफ्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, आई एम गोइंग टू शो सम प्रॉपर्टीज विच आर एप्लीकेबल ऑन दीज रेशनल नंबर्स। एलजेब्रा की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक रूल, कोई एक ऑपरेशन अगर किसी सेट ऑफ नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है तो वो रूल सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए। इन इजी वर्ड्स आई कैन से, अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर लेता हूँ और उनको ऐड करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, और ये जो रूल है वो सभी रेशनल नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए आप, अगर ये रूल सही है तो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो आई एम डूइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वी टेक फोर ऑपरेशंस एंड दीज ऑपरेशंस आर
एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑपरेशन एंड दैट इज एडिशन। सो ओके, बिफोर आई स्टार्ट दीज ऑपरेशंस वी हैव टू अज्यूम सम रेशनल नंबर्स। सो लेट अस अज्यूम आई एम टेकिंग टू रेशनल नंबर्स माइनस टू अपॉन फाइव एंड थ्री अपॉन लेट सेवन। ओके, सो नाउ आई एम डूइंग आवर फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज एडिशन। सो एडिंग दीज टू नंबर्स, फर्स्ट रेशनल नंबर इज माइनस टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव। Let's see. Open the bracket. Minus 2 upon 5 plus 3 upon 5. Sorry, 7. 7 is there. Now, as you can see, as denominators, both numbers are co-prime numbers. अगर denominator के अंदर co-prime numbers होते हैं, तो हम इनका direct LCM निकाल लेते हैं दोनों को multiply करके। सो फाइव सेवन जा 35। नाउ 35 को 5 से डिवाइड किया, 7 आया, 7 टू जा 14 माइनस 14 प्लस साइन जो बीच में है वो बीच में आएगा। 35 को 7 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 थी जा 15। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों के साइंस अपोजिट हैं। यहाँ पे इंटीजर का रूल लगेगा कि जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो नंबर्स का डिफरेंस निकालना होता है आपने। तो 14 और 15 का डिफरेंस आ गया 1 नीचे। अब जो 1 आया है आपका न्यूमरेटर, उसमें साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, दैट इज 15 के आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। सो एज यू कैन सी हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया, आंसर आ गया 1/35। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो नीचे वाला नंबर है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। इट मीन्स ये जो नंबर आंसर आया हमारे पास ये भी इंटीजर है। हेंस टू दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर प्रॉपर्टी हम लेंगे, दैट इज जीरो। एक और एग्जाम्पल लिया है, अब की बार सेकेंड रेशनल नंबर मैंने जीरो लिया है, एडिंग माइनस टू अपॉन फाइव प्लस जीरो। ओके, इफ एनी नंबर इज एडेड टू जीरो और जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, आंसर विल बी द सेम। आंसर आ गया माइनस टू अपॉन फाइव। देखिए आप, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, प्रूव हो गया कि एडिशन हमेशा क्लोज होता है रेशनल नंबर्स के अंदर। तो एडिशन हो गया अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। अगेन वील टेक एनी टू नंबर्स, लेट सपोज 2/5 माइनस 1/3, आई हैव टेकन दिस नंबर्स। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, क्लियर। ओपनिंग द ब्रैकेट्स, माइनस इनटू माइनस प्लस,
यहाँ पे हमें इंटीजर्स के रूल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगेन यू कैन सी रेशियल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। कोप्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम आ गया 5 3 15, 15 में 5 को डिवाइड किया, 3 2 6, 15 में 3 को डिवाइड किया 5, 5 बन जा 5, 11 अपॉन 15, ये आ गया आपका आंसर। इट मींस सब्ट्रैक्शन जो हमने किया दो रेशियल नंबर्स का और जो आंसर हमारे पास आया है वो भी रेशियल नंबर है। इट मींस सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। बट मैंने कहा था ज़ीरो का एग्जांपल आप ज़रूर लेंगे, हर हाल में लेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है कहीं ना कहीं। यह आ गया ज़ीरो, 2 upon 5 minus 0। As you know very well that if 0 is subtracted from any number, answer will be the same. Means कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, answer will be 2 upon 5। अब देखिए आप subtraction कर दिया 0 का 2 upon 5 में से, answer आ गया 2 upon 5। Integer का subtraction भी ratio numbers का subtraction भी ratio number आ गया, 2 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर और 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपना सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। अगेन आई विल टेक सेम एग्जांपल, 11 अपॉन 15 माइनस 2 upon 3। ओके, अब करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यस, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 2 जा 22, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस एक ही बार आया है हमारे पास। अगर माइनस ओड नंबर्स में है तो साइन वही आएगा, अगर माइनस इवन नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस साइन बन जाएगा। तो ये ओड नंबर में है माइनस, यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस आ गया, 15 3 जा 45। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर, 45 भी इंटीजर, 45 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस के मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियल नंबर्स इज आल्सो अ रेशियल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करती है। अगेन एज आई टोल्ड यू, ज़ीरो का एग्जांपल ज़रूर लेना है आपको, सेकंड नंबर इज 0 स्टार्टिंग। एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी ज़ीरो पता। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 एक रेशियल नंबर है, शुरू में मैंने बताया था आपको एग्जांपल देखिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियल नंबर्स इज आल्सो अ रेशियल नंबर। तो वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लीकेशन also closed in rational numbers. Okay, so where is it? Our last operation
ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी इज डिवीजन. डिवीजन. सो माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 6 अपॉन 7. ओके. सो माइनस 2 अपॉन 3 साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, उसका आ जाएगा रेसिप्रोकल 7 अपॉन 6. एज आई टोल्ड यू कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 टू जा 14, 6 थ्री जा 18. साइन किसका आएगा? माइनस एक बार ही है, मीन्स द नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इज एन ओड नंबर, 1 है ओड नंबर, तो ये साइन माइनस का आएगा. अगर ये दो बार माइनस होता, मीन्स माइनस का साइन अगर इवन नंबर्स में होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाते हैं. ठीक है. अब देखिए, इस हिसाब से डिवीजन भी हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया. ठीक है. बट एज आई टोल्ड यू, 0 वेरी डेंजरस नंबर. ओके, लेट्स टेस्ट इट अगेन. नाउ लेट अस सपोज आवर नेक्स्ट नंबर इज 0. मैंने कहा था आपको कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं. देखिए क्या आंसर आता है. थ्री जीरो जा 0, माइनस 2 1 जा माइनस 2, 3 0 जा 0. अब ये जो फॉर्म है ये मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड फॉर्म है, यानी कि ऐसा नंबर अगर आता है तो वो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस नंबर. दिस नंबर इज ट्रीटेड एज इन्फिनिटी. इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं. ये रेशनल नंबर नहीं है. क्या प्रूव हो गया? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने कहा था सभी में होल्ड करेगी तभी वो क्लोज होगी, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. अगर एक भी आपका एग्जांपल प्रूव नहीं हुआ तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी. यहाँ पर जीरो वाला जो एग्जाम्पल था वो फेल हो गया हमारा, इसलिए डिवीजन के अंदर रेशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. ओके. सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन सी. आफ्टर दिस क्लोजर प्रॉपर्टी वी आर मूविंग अहेड. सो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर सी ए डी. इनको हम वन बाय वन लेंगे और ये प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है रेशनल नंबर्स के अंदर. ओके. मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन दे देता हूँ अच्छा सा, ताकि ये अलग से चमके. ये हमारा टॉपिक है आज का. हाँ, सी ए डी. द मीनिंग ऑफ सी ए डी इज सी स्टैंड्स फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ आई एड टू रेशनल नंबर्स एंड अगेन आई चेंज द ऑर्डर आंसर विल बी द सेम. यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर शो कर रहा हूँ मैं. एज यू कैन सी ऑपरेशन लिया हमने एडिशन का. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इट मीन्स के अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर के अंदर, यानी एक नंबर आपने पहले लिखा है दूसरा बाद में लिखा है और फिर दोबारा उनको ऐड करते हैं, आपकी बार आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, मींस जो फर्स्ट नंबर था उसको सेकंड कर दिया और जो सेकंड था उसको फर्स्ट कर दिया, देखते हैं कि आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है. उसके बाद ये प्रॉपर्टी हम होल्ड देखते हैं होल्ड करती है या नहीं करती है. ओके, लेट्स सी. आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स हियर. ए इज इक्वल टू 1/2 एंड बी इज इक्वल टू -3/5. बी इज इक्वल टू -3/5, ए इज इक्वल टू 1/2. ओपन द ब्रैकेट्स 1/2 -3/5 -3/5 +1/2. एलसीएम इज 10, ये आ गया 5 -6. एलसीएम इज 5 × 10 -6 +5, यहाँ पे आ गया -1/10. यू कैन सी -10. एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज क्लोज इन रेशनल नंबर्स.